हे गाइस, मेरा नाम है पराग पाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन यूटीएम। ये सबसे इम्पोर्टेंट एक एक मशीन है जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करती है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम एक हमारा क्यूब का सैंपल उसमें रखते हैं, ठीक है, और उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे इस पर्टिकुलर और मिक्स की स्ट्रेंथ क्या होगी, ठीक है। तो सेम चीज मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखो दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आपको ये बताना वाला हूँ कि कितने क्यूब सैंपल कितने क्यूब सैंपल रिक्वायर्ड होते हैं, कितने क्यूब सैंपल रिक्वायर्ड होते हैं फॉर डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कॉन्क्रीट, फॉर डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कॉन्क्रीट के लिए। मतलब मान के चलो कि आपके पास 5 मीटर क्यूब तक का कंक्रीट आपको कास्ट करना है, तो आप कितने नंबर ऑफ क्यूब कास्ट करोगे और उसकी टेस्टिंग करोगे, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में या फिर इंटरव्यू में पूछ लिया ना, तो आप इसका आंसर दे पाओगे जब, अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हो तो। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मान के चलो आपको 1 मीटर क्यूब से लेके 5 मीटर क्यूब तक अगर आपको कंक्रीट कहीं पे पोर करना है, मतलब कंक्रीट कास्ट करना है, तो आप कितने नंबर ऑफ क्यूब कास्ट करोगे टू चेक द स्ट्रेंथ, मतलब कितने नंबर ऑफ क्यूब आपको चाहिए होंगे, ठीक है। तो आपको एक वन नंबर ऑफ क्यूब आपको बनाना पड़ेगा ताकि आप उसकी स्ट्रेंथ चेक कर पाओगे, ठीक है। मतलब अगर आपको ये होगी आपकी क्वांटिटी ऑफ कॉन्क्रीट, क्वांटिटी ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है। सो अगर आपको 1 मीटर क्यूब टू 5 मीटर क्यूब तक का कंक्रीट पोर करना है या कास्ट करना है, तो आपको एक क्यूब कास्ट करना पड़ेगा और उसकी टेस्ट करनी पड़ेगी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, ठीक है। अगर मान के चलो 6 मीटर क्यूब से लेके 15 मीटर क्यूब तक की रेंज में अगर आपको कॉन्क्रीट कास्ट करना है, तो आपको 2 नंबर ऑफ क्यूब कास्ट करने पड़ेंगे, क्लियर। अगर आपको 16 अगर मान लो 16 मीटर क्यूब से लेके 30 मीटर क्यूब तक अगर आपको आपकी क्वांटिटी है कंक्रीट की, तो आपको 3 नंबर ऑफ क्यूब कास्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर 31 मीटर क्यूब से लेके 50 मीटर क्यूब तक का अगर आपका कंक्रीट है, अगर आपको कंक्रीट पोर करना है, तो आपको 4 नंबर ऑफ क्यूबिकल क्यूब बनाने पड़ेंगे। और अगर मोर देन 50 मीटर क्यूब है, ठीक है, तो आपको 4+1 और 6 क्यूब कास्ट करने पड़ेंगे ताकि आप, ठीक है। और इसमें भी और एक चीज हो सकता है कि 6 क्यूब या +6+1 फॉर इच 10 मीटर क्यूब के लिए, मतलब 6 तो करेंगे, प्लस अगर इसके बाद 60 आ जाता है, तो 50 के लिए तो 6 हमने किए, एक आपको एक 60 के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। फिर 70 आएगा तो प्लस और एक करना पड़ेगा, इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। अगर मान लो 70 मीटर क्यूब मेरा क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट है, तो कैसे होगा, 6 तो मैंने 50 के लिए कर लिए, एक 60 के लिए और एक 70 के लिए, इसका मतलब है 6 7 8 8 मुझे क्यूब कास्ट करने पड़ेंगे, और ये क्यूब मुझे एक यूनिवर्सल अपनी टेस्टिंग मशीन होती है, ठीक है, क्लियर। एक यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है हमारी, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे डायल गेज लगा रहता है, ठीक है। और उसके अंदर आपको अपना क्या रखना होता है, क्यूब रखना होता है, जो क्यूब आपको क्या देता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देता है, जिससे आपको पता चलता है द क्वालिटी क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है, और आप उसको टेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय।